अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा कि अमेरिका चीन के साथ किसी भी तरह का व्यापार युद्ध नहीं लड़ रहा, क्योंकि उसे तो अमेरिका कई साल पहले अपने पूर्व बेवकूफ और बेकार नेताओं के चलते हार चुका है। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया कि चीन के साथ वर्तमान व्यापार स्थिति को आगे और जारी रखा नहीं जा सकता। आगे ट्रंप ने कहा कि अब हमारा व्यापार घाटा 500 अरब डॉलर का है, हम इसे जारी नहीं रख सकते। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया जब विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध जैसी संभावनाएं बनी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि ट्रंप के चीन के साथ व्यापार घाटे को घटाकर 100 अरब डॉलर पर लाने की मांग को चीन ने ठुकरा दिया था।